कई दिनों से उत्तराखंड में भी लगातार बारिश पड़ रही थी, जिसके बाद बादल फटने की घटना से कई लोगों की जान चली गई है। वहीं जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है उनके प्रति उनके परिजनों से पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर बात की और हर संभव मदद करने का आश्वासन परिवार को दिया और उनके प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। संसद का मॉनसून सत्र काफी हंगामेदार रहा कल। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने हंगामे पर काफी नाराजगी भी जाहिर की है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष साजिशों से विकास यात्रा नहीं रुकने वाली है। वहीं केंद्र सरकार पर लगे जासूसी के आरोपों को उन्होंने देश को अपमानित करने की साजिश भी बताया है। साथ ही साथ उन्होंने पूछा कि देश की छवि पर बार बार चोट क्यों की जाती है। वहीं शाह ने लिखा कि विघटकारी और अवरोधक शक्तियां अपनी साजिश से भारत की विकास यात्रा को रोक नहीं पाएंगी। गृह मंत्री ने लिखा कि मॉनसून सत्र से देश को काफी उम्मीदें हैं और ये सत्र देश में विकास के नए मापदंड स्थापित करेगा। शाह ने कहा कि लोगों को क्रोनोलॉजी समझनी चाहिए कि ये भारत के विकास में विघ्न डालने वालों की भारत के विकास के लिए अवरोधकों के लिए एक रिपोर्ट है। संसद में हुए हंगामे पर कांग्रेस को घेरते हुए अमित शाह ने कहा कि वो अपना जनाधार और राजनीतिक महत्व खो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास लोकतंत्र को कुचलने का अच्छा अनुभव है। तो बता दें कल से संसद के मॉनसून सत्र का आगाज हो गया है। कल से मॉनसून सत्र संसद का शुरू हो गया है, जिसके बाद पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। हालांकि संसद की कार्यवाही को दो बार स्थगित भी किया गया काफी हंगामा होने की वजह से, जिसके बाद अब अमित शाह ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा है और देश में एक बार फिर जो कल जासूसी कांड को लेकर तमाम जानकारी सामने आई थी उसको लेकर भी अमित शाह ने नाराजगी जताई है और संसद में जो हंगामा हुआ था उसको लेकर भी अमित शाह काफी नाराज दिखे। जासूसी के आरोपों पर अमित शाह ने कांग्रेस पर ही पलटवार किया। उन्होंने कहा साजिशों से नहीं विकास, हमारी विकास यात्रा नहीं रुकने वाली है और इसको लेकर हालांकि कल भी बीजेपी पार्टी इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए नजर आई थी। जासूसी कांड को लेकर जो भी तमाम जानकारियां सामने आई थी इसको लेकर तमाम चर्चा कल हो रही थी संसद में भी, हालांकि काफी हंगामा होने के आसार थे। हंगामा भी जासूसी कांड को लेकर हुआ, तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को विपक्षी पार्टियां घेरती हुई नजर आ रही थी। इसी सब को देखते हुए अब अमित शाह ने पलटवार किया है और कांग्रेस पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए देश की बड़ी राजनीतिक इतिहासियों के से लेकर जजों और पत्रकारों की जासूसी कराने के सरकार पर लगे आरोपों के बीच कांग्रेस ने केंद्र पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस ने देश के गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा भी मांगते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की जांच कराने की मांग की है। बता दें राज्यसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की तरफ से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह खुद विरोधी पार्टियों के नेताओं, पत्रकारों और खुद के कैबिनेट में बैठे मंत्रियों की जासूसी कराते हैं, जिसका सबूत मिला है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी का भी जासूसी उन्होंने कराई है। खड़गे ने कहा कि इसकी जांच होने से पहले खुद अमित शाह को गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और पीएम मोदी की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि अगर आप लोकतंत्र के जरिए चलना चाहते हैं तो संविधान के तहत इस देश को चलाना चाहते हैं कि इस जगह पर रहने के काबिल नहीं है। तो बता दें कल से जब से जासूसी कांड को लेकर तमाम जानकारियां सामने आई हैं, लगातार तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ तौर पर कहा है कि सरकार को जो है इस जासूसी कांड को लेकर सामने आकर बोलना चाहिए और अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की भी भूमिका की जांच इस पूरे मामले में होनी चाहिए। दरअसल कल जासूसी कांड को लेकर जो तमाम जानकारियां सामने आई थी उसमें कई पत्रकारों, कई नेता, कई दिग्गज उद्योगपतियों के नाम सामने आए थे, कई फिल्मी जगत से जुड़े लोगों के नाम सामने आए थे जिनके फोन टेपिंग के मामले से लेकर कई जासूसी की बात सामने आई थी। इसी पूरे तमाम
मसले को लेकर कल संसद में भी काफी हंगामा हुआ था और तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार को घेरती हुई नजर आ रही हैं। सरकार देश के सुरक्षा हालात पर पूर्व रक्षा मंत्रियों को ब्रीफ करने के बाद एक बार फिर विपक्ष को संतुष्ट करने की कोशिश में जुट गई है। अब की बार सरकार कोरोना के मोर्चे पर विपक्ष के सवालों के जवाब भी देगी। इसके लिए संसद सत्र के अतिरिक्त विपक्ष की सभी पार्टियों के संसदीय दल के नेताओं के सामने पूरी तस्वीर एक प्रेजेंटेशन के जरिए रखेगी। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में प्रेजेंटेशन भी रखेंगे। वहीं विपक्ष के साथ ये बैठक होगी। बता दें बैठक संसद की पार्लियामेंट्री अनेक्सी बिल्डिंग में की जाएगी और इस बैठक में राज्यसभा और लोकसभा के सभी फ्लोर लीडर्स यानी कि विपक्ष की तमाम पार्टियों के संसदीय दल के नेता शामिल होंगे। हालांकि सरकार में शामिल एनडीए नेताओं को भी इस बैठक में आमंत्रित किया गया है। वहीं सरकार कोरोना के वर्तमान हालात और उसकी शुरुआत से लेकर पहली और दूसरी लहर और संभावित तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर भी तस्वीर तमाम नेताओं के सामने रखेगी। कोरोना पर प्रेजेंटेशन के मौके पर सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे। वहीं सरकार इस बार नए अवतार में दिख रही है। देश के बाहरी और भीतरी मुद्दों पर विपक्ष और तमाम दलों को साथ लेने और संतुष्ट करने की लगातार कोशिश करती नजर आ रही है। तो बता दें कोरोना पर विपक्षी पार्टियों के साथ ये बैठक होने वाली है, जिसमें पहली, दूसरी और संभावित तीसरी लहर को लेकर भी जानकारी दी जाएगी। प्रेजेंटेशन के जरिए बैठक में प्रेजेंटेशन का सहारा लिया जाएगा, जिसके जरिए इन तीनों ही लहर के बारे में जानकारी दी जाएगी और इस पे बातचीत भी की जाएगी। हालांकि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे, अमित शाह, रक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी दल जातीय समीकरणों को साधने में जुटे हुए हैं। खास तौर से राजनीति में अच्छा खासा दबदबा रखने वाले ब्राह्मण समुदाय को अपने साथ लाने की लगातार कवायद भी सभी दलों ने शुरू कर दी है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तो प्रदेश में एक बार फिर से 2007 के फॉर्मूले को अपनाने की बात करते हुए जगह जगह पर ब्राह्मण जोड़ो अभियान की शुरुआत भी करने का ऐलान कर दिया है। जबकि समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, सभी बीएसपी पर निशाना साध रहे हैं और खुद को सबसे बड़ा ब्राह्मणों का हितैषी बताने में जुट गए हैं। फिलहाल विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह जातियों की जोड़ तोड़ की कवायद यूपी में एक और बढ़ेगी। एक बार उत्तर प्रदेश में हमेशा से जातिगत सियासत देखने को मिलती रही है। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी एक बार फिर से सियासत जातिगत समीकरणों पर ही केंद्रित होती नजर आ रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जिस तरह से कल एक न्यूज एजेंसी से बातचीत की थी और उस दौरान उन्होंने ब्राह्मणों को बीएसपी के साथ जोड़ने की बात कही थी, उससे इतना तो तय हो गया है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। शायद मायावती को भी इस बात का एहसास है कि 2007 में जब वो पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ गई थी तो उसमें भी कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का ही सहयोग सबसे ज्यादा रहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सोमवार को पेगासस जासूसी मुद्दे पर बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ये देश के लोकतंत्र पर एक चौंकाने वाला हमला है। उन्होंने उच्चतम न्यायालय से मामले का संज्ञान लेने का भी आग्रह किया है। वहीं मीडिया संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय कंसोर्टियम ने खुलासा किया है कि केवल सरकारी एजेंसियों को ही बेचे जाने वाले इजरायली के जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए भारत के दो केंद्रीय मंत्रियों, 40 से ज्यादा पत्रकारों, विपक्ष के तीन नेताओं और एक न्यायाधीश सहित बड़ी संख्या में कारोबारियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के 300 से ज्यादा मोबाइल नंबर हो सकते हैं जो हैक किए गए हैं। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पेगासस जासूसी मुद्दे पर बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर
हमला करते हुए कहा कि ये देश के लोकतंत्र पर एक चौंकाने वाला हमला है। उन्होंने उच्चतम न्यायालय से मामले का संज्ञान लेने का आग्रह भी किया है। दरअसल कुछ मीडिया संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय से खुलासा हुआ था कि केवल एक सरकारी एजेंसियों को ही बेचे जाने वाले इसराइल के जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए भारत के दो केंद्रीय मंत्रियों, 40 से ज्यादा पत्रकारों, पक्ष के तीन नेताओं और एक न्यायाधीश सहित कई बड़ी संख्या में कारोबारियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के 300 से ज्यादा मोबाइल नंबर हो सकते हैं जो हैक किए गए हैं। तो बता दें, जब से जासूसी कांड को लेकर तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं, उसके बाद से ही तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही हैं। वहीं पेगागस मुद्दे पर अमरिंदर सिंह ने भी सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि देश के लोकतंत्र पर हमला हुआ है ये, जिसमें बता दें तमाम जानकारियां आ रही हैं कि 40 से ज्यादा पत्रकारों के नंबर टेप किए गए हैं और कई इसमें बड़े नेता और कुछ उद्योग जगत से जुड़े लोग भी शामिल हैं। वहीं मुंबई के ठाणे कलावा इलाके में लगातार बारिश की वजह से भूस्खलन होने से एक जुग्गी बस्ती में बसे 4 घर क्षतिग्रस्त हो गए, जिसमें एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने कहा कि इस हादसे में 3 नाबालिगों सहित परिवार के 5 सदस्यों की मौत हुई है, जबकि 2 को बचा लिया गया है। हालांकि ठाणे नगर निगम के क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख संतोष कदम ने ये घटना की जानकारी देते हुए कहा कि ये घटना घोलई नगर में हुई, जिसमें 5 लोग, एक पति पत्नी और उनके 3 बच्चे मारे गए। शवों को बचाव दल द्वारा मलबे से बाहर निकाल लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि घटना के बाद 2 बच्चों को बचा भी लिया गया है। हालांकि कदम ने बताया कि भूस्खलन में एक बड़ा पत्थर और चौल में बने मकान पर जा गिरा था, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोग फंस गए थे। तो बता दें, महाराष्ट्र के मुंबई में ठाणे में यह हादसा हुआ है। भूस्खलन की वजह से एक ही मकान पर पत्थर गिर गया, जिससे एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई। हालांकि 2 बच्चों को बचा लिया गया है। मुंबई में भी लगातार बारिश की वजह से तमाम हादसे लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि बीते दिन भी 2 इमारतें गिर गई थी, जिसमें भी कई और लोगों की जान गई थी। चेंबूर में भी हादसा हुआ था, जहां भी कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। वहीं अब ठाणे में भी एक मकान पर पत्थर गिरने से यह हादसा हो गया है, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। राहत बचाव का कार्य किस गति से चल रहा है, और हालांकि इसीलिए 2 बच्चों को सकुशल बचा भी लिया गया, लेकिन 5 लोगों के इस पूरे हादसे में जान चली गई है। उत्तर प्रदेश में इस बार राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और विकास के एजेंडे पर बीजेपी ने मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर ली है। जनता के बीच जाने से पहले पार्टी के अंदर असंतुष्टों को भी साधा जाएगा। चुनाव में पार्टी का चेहरा सीएम योगी और पीएम मोदी ही रहेंगे। वहीं हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रोजेक्ट किया जाएगा। लखनऊ में 2 दिनों तक चली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की गई। बता दें, यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए महज 6 से 7 महीने का वक्त बचा है। बीजेपी की कोशिश है कि पिछले चुनाव से ज्यादा सीटों पर कमल खिलाया जाए। 2 दिनों तक संघ की जो समन्वय बैठक हुई, उसमें भी इसी बात पर चिंतन किया गया। हालांकि मीटिंग में कई और भी मुद्दे थे, लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो फोकस 2022 के चुनाव पर ही किया गया था। करीब 5 घंटे तक रविवार को बीजेपी और संघ पदाधिकारियों के बीच चली समन्वय बैठक में 5 मुद्दों पर मुख्य फोकस रहा। संघ के पदाधिकारी चाहते हैं कि आगामी चुनावों के लिए राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ा जाए। वहीं हिंदुत्व का इसमें तगड़ा और भी लगने वाला है। पोस्टर बॉय के रूप में योगी आदित्यनाथ पर फोकस किया जा रहा है। बता दें, अयोध्या में राम मंदिर, धर्मांतरण, लव जिहाद, राष्ट्रवाद, अनुच्छेद 370, जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों को भी उठाया जाएगा। साथ ही सरकार की तरफ से इस दिशा में किए गए कार्यों को जनता के बीच ले जाया जाएगा। तो बता दें, लगातार 2022 के चुनाव के लिए बीजेपी भी सक्रिय होती नजर आ रही है। एक्शन मोड में बीजेपी नजर आ रही है। वहीं संघ की बैठक चल रही थी बीते 2 दिनों से लखनऊ में, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि
चुनाव जो है इस बार का यूपी में योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। हालांकि बैठक में कई और मुद्दों पर बात हुई थी, लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो फोकस जो है 2022 के चुनाव पर ही रखा गया और किन किन मुद्दों पर बात होगी ये सभी चीजें तय कर ली गई हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार पर लोकतांत्रिक प्रदर्शनों को दबाकर असंतोष को कुचलने का आरोप लगाने वालों की सोमवार को आलोचना करते हुए पूर्व न्यायाधीशों, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों सहित कई नागरिकों के एक समूह ने कहा कि उनके बयान गैर जिम्मेदार और पूरी तरह से गलत हैं। दरअसल समूह ने आरोप लगाया कि ये चिंता का विषय है कि सेवानिवृत्त लोक सेवकों का एक समूह गैर राजनीतिक होने का दावा करने के बावजूद एक विशेष राजनीतिक धारा से जुड़ा हुआ है। सरकार को समर्थन करने वाले समूह ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र इसकी संस्थाओं और वैध रूप से उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों को खराब रोशनी में दिखाने के लिए हर मौके को वो बार बार लाभ उठाते हैं और ऐसा करने के लिए वो बिना सोचे समझे सार्वजनिक बयान भी देते हैं या कई पद अधिकारियों को गलत संदेश लिखते हैं। बयान पर 151 लोगों के हस्ताक्षर भी कराए गए, जिनमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव योगेंद्र नारायण, सिक्किम उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली और सीबीआई के पूर्व निदेशक नागेश्वर राव के अलावा कई सेवानिवृत्त आईएफएस और सैन्य अधिकारी शामिल रहे हैं। बता दें, समूह का एक बयान पूर्व लोक सेवकों, आईपीएस अधिकारियों और अन्य लोगों के एक अन्य समूह के बयानों के स्पष्ट खंडन है, जो अक्सर असंतोष को दबाने और आलोचकों को निशाना बनाने के लिए राज्य के साधने का उपयोग करने के लिए आदित्यनाथ सरकार की आलोचना करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का समर्थन करने वाले समूह ने आंकड़ों के हवाले से कहा है कि 20 मार्च 2017 से 11 जुलाई 2021 के बीच राज्य में पुलिस के साथ कुल 8000 से ज्यादा मुठभेड़ें हुई, जिनमें 18000 से ज्यादा कथित अपराधी घायल हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनमें से 32000 से ज्यादा गिरफ्तार भी हुए हैं, जबकि 140 की जान भी चली गई है। तो बता दें, पूर्व लोक सेवकों के समूह ने सरकार का बचाव किया है और उन्होंने जानकारी दी है कि 2017 से लेकर 2021 तक इस योगी सरकार के कार्यकाल के बीच कितनी मुठभेड़ें हुई, कितने अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, कितने अपराधी घायल हुए हैं, तमाम जानकारियां दी गई हैं। बचाव सरकार का किया गया है। हालांकि इस पूरे कई समूह के लोग भी इसमें शामिल हुए थे इस बयान में और कई काफी सारे लोगों के इस बयान पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी सेंट्रलाइज एडमिशन की प्रक्रिया की कमेटी में शामिल हुए आगे की भ्रष्ट एडमिशन कमेटी के सदस्य पद पर थे। वो एडमिशन कमेटी 1000 से ज्यादा ईडब्ल्यूएस चीट करके गरीब विद्यार्थियों को हक को हजम कर गए और प्राइवेट एडमिशन एजेंसी को मिलाकर प्राइवेट कॉलेजों के हित में काम के किए, जैसे कि